फ्री कैनवा अकाउंट की हेल्प से क्या आप भी कुछ ऐसा टैक्स इफेक्ट लगाना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके का टैक्स इफेक्ट लगाना सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम किस तरीके से इस तरीके का टैक्स इफेक्ट लगा सकते हैं, कौन सी डिज़ाइन में लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा और आपने वो देखा होगा इमेज के ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट लगाया हुआ है, वो हम किस तरीके से कैनवा में बना सकते हैं। कैनवा में भी, वो भी आपके फ्री अकाउंट से। एक अकाउंट होता है कैनवा प्रो, जिसके अंदर आपको पेमेंट पे करना पड़ता है और उसके बाद आप उसके थ्रू अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कैनवा फ्री अकाउंट से वो वाला इमेज टैक्स इफेक्ट डिज़ाइन सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम कोई भी एक टेम्पलेट ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी इंस्टाग्राम की कोई भी डिज़ाइन ले लेता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, और फिर मैंने अब यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड लेना है। जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया, ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड मैंने लिया है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करने वाला हूँ। फ़ोटो मेरी डाउनलोड्स वाले फोल्डर में पड़ा, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोटो लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब आप देख सकते हैं इस फोटो में बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया हुआ है। तो अब जब हम कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो कैनवा रिमूव करने के लिए आपको प्रो अकाउंट परचेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैनवा के अंदर ऐसी इमेज अपलोड करेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड को एक वेबसाइट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर क्रोम के अंदर ही टाइप कर रहा हूँ रिमूव BG, ये मैंने टाइप किया, एंटर कर दिया। सबसे ऊपर जो लिंक आता है remove.bg, इसके ऊपर मैं आया हूँ। अपलोड कर रहा हूँ मैं इमेज, और अपलोड हो रही है इमेज बैकग्राउंड रिमूव होने के लिए। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो के मेरे सामने इमेज आ गई है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रीव्यू इमेज और डाउनलोड HD। जब आप डाउनलोड HD करना चाहते हैं तो आपको ये बोलता है साइन अप करने के लिए, जिसके अंदर आपको एक क्रेडिट यानी कि आप एक इमेज ही डाउनलोड कर सकते हैं HD क्वालिटी में। तो अगर आपको साइन अप करना है तो आप साइन अप कर सकते हैं, और बिना साइन अप किए भी आप प्रीव्यू इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं। डाउनलोड होके मेरे सामने यहाँ पर आ चुका, आप देख रहे हैं। अब हम वापस जाते हैं कैनवा में। कैनवा में जाने के बाद अब हम यहाँ से ये इमेज को वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुकी है जिसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। अब हम इसको एडिट इमेज पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसके कलर या आपको जो कुछ भी चेंज करना है। जैसे मुझे इसके कलर चेंज नहीं करना, मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट करनी है, तो मैंने इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। अब मैं एक टेक्स्ट लेके आ रहा हूँ, हेडिंग वाला टेक्स्ट लेके आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और मैंने यहाँ पर फॉन्ट ले लिया है, एक बोल्ड फॉन्ट ले लिया है, और मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर दिया है। और मैं यहाँ से स्पेसिंग में जाके थोड़ी सी स्पेसिंग कर रहा हूँ कम। इसके अलावा मैं इसका कलर कर रहा हूँ वाइट कलर, मैंने वाइट कलर कर दिया है। इमेज को थोड़ा इधर ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर ले रखा है। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इमेज को थोड़ा अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है पढ़ने में आ रहा है पूरा नाम, यस आई एम मैडी, ये हमारे चैनल का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, उस इमेज वाले इफ़ेक्ट को लगाने के लिए मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा। यहाँ से मैंने कॉपी बनाई और यहीं पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर होलो इस तरीके का एक इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जैसे ही सेंड बैकवर्ड किया तो आप देख सकते हैं ये मेरे इमेज के पीछे चला गया है टेक्स्ट, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे, ये ऑलरेडी ही फॉरवर्ड है। अगर ये फॉरवर्ड नहीं होता है तो आपको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। और अब हम इसको यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट के ऊपर लाके इस तरीके से रख देंगे, और आपकी ये डिज़ाइन इस तरीके से बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट इफेक्ट आप देख रहे थे, इस तरीके से हम ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाते हैं। अब आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अब आप ध्यान रखिए, मैंने दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है इस तरीके से, और इस तरीके से हम
इस इफ़ेक्ट को लगा सकते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके ही हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। तो इस तरीके से हम जो इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट आता है ये इफ़ेक्ट हम इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के साथ किया है, आप कलर फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों टेक्स्ट सेम कलर के रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा है कि हम किस तरीके से इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट आता है और बिहाइंड थोड़ा सा टेक्स्ट रहता है वो किस तरीके से रहता है। आई होप आपको अब इस तरीके का टेक्स्ट इफेक्ट लगाना आ ही गया होगा, आपने ये भी सीख लिया होगा कितना आसान है इस तरीके का टेक्स्ट इफेक्ट लगाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारी कैनवा की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे Instagram एंड Facebook पेज को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।